धनतेरस से दिवाली और भाई दूज तक जाने त्योहार की तिथि और शुभ मुहूर्त, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दीपावली का त्यौहार हिंदू धर्म में बेहद खास है। यह हिंदू धर्मों के प्रमुख त्यौहार में से एक है। इस वर्ष दीपावली 14 नवंबर को पड़ रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दीपावली के दिन श्री राम ने लंकापति रावण का वध कर अयोध्या वापस आए थे। इस खुशी में दीपावली मनाई जाती है। उनकी वापसी पर अयोध्या में दीप प्रज्वलित किए गए थे और उनका शानदार स्वागत किया गया था। इस दिन देवी लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं कि दीपावली की सप्ताह की महत्वपूर्ण तिथियां, पूजा का समय, शुभ मुहूर्त और दीपावली सप्ताह के बारे में। नंबर एक, धनतेरस। धनवर्ती में दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। यह त्यौहार इस वर्ष 13 नवंबर को मनाया जाएगा। दोस्तों, धनतेरस का मुहूर्त शाम 5:34 से लेकर 6:01 तक है। इस दिन प्रदोष काल शाम 5:28 से लेकर रात 8:07 तक है। वृषभ काल मुहूर्त शाम 5:34 से शाम 7:29 तक है। नंबर दो, छोटी दीपावली। नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली मुख्य त्योहार में से एक दिन पहले मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक महीने के चतुर्दशी तिथि और एक छोटी दीपावली मनाई जाती है। इस दिन को नर्ग चौतस रूप में चौदस भी कहा जाता है। यह त्योहार 14 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन दीपावली स्नान अनुष्ठान का शुभ मुहूर्त 5:23 से शुरू होगा और 6:43 पर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, नंबर तीन, दीपावली। यह त्योहार भी 14 नवंबर को मनाया जाएगा। दीपावली के शुभ मुहूर्त की बात करें तो लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त 5:30 से लेकर शाम 7:25 तक रहेगा। प्रदोष काल मुहूर्त की बात करें तो 5:27 से लेकर रात 8:06 तक रहेगा। वृषभ काल मुहूर्त की बात करें तो वो शाम 5:30 से लेकर शाम 7:25 तक रहेगा। दोस्तों, नंबर चार, गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा अमावस्या को ही की जाती है। इस वर्ष गोवर्धन पूजा 15 नवंबर को ही की जाएगी। दोस्तों, इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर भगवान इंद्र को हराया था। हिंदू धर्म में गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। गोवर्धन पूजा का मुहूर्त 3:18 से लेकर शाम 5:27 तक है। दोस्तों, नंबर पाँच, भाई दूज। भाई दूज को हम यम द्वितीय या फिर भृतीय द्वितीय भी कहते हैं। इसे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि में मनाया जाता है। इस पर्व के शुभ मुहूर्त की बात करें तो भाई दूज के तिलक के लिए दोपहर 1:10 से दोपहर 3:28 तक रहेगा। दोस्तों, महालक्ष्मी बड़ी प्यारी हैं। सच्चे दिल से अगर आप माँ लक्ष्मी को याद करते हैं तो वह अपने भक्तों की झोली खुशियों से भर देती हैं। अगर आप इस पावन अवसर पर माँ लक्ष्मी को अपने घर में हमेशा के लिए बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माता लक्ष्मी हमारे घर में आपका स्वागत है। माँ लक्ष्मी के लिए एक लाइक तो बनता है। माँ आपके सभी बिगड़े काम को पूरा करे। धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।